नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं गंगापुर सिटी के ग्राम पंचायत उमरी के हबीपुर गांव में हूं, जहां कल दोपहर बाद अज्ञात कारणों से आग लग जाने के कारण दो परिवार का घर जलकर राख हो गया। उसकी सीधी लाइव मैं आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर दिखा रहा हूँ और आप सामने देख पा रहे हैं। पीड़ित परिवार से को सांत्वना और ढाढ़स बंधाने के लिए इनके रिश्तेदार और आसपास के लोग आए हुए हैं। हमारे साथ ग्राम पंचायत सरपंच रेखा मौर्या के ससुर, जो उनका काम देखते हैं, वो भी यहाँ उपस्थित है और सूचना मिली हमें तो हम मौके पर पहुँचे। आइए मैं आपको सारी चीज़ें बारीकी से दिखाता हूँ कि आज के इस ज़माने में एक गरीब परिवार किस प्रकार अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पालन पोषण करता है, लेकिन जब वो पालन पोषण करता ही है, किस प्रकार उनको पढ़ाता है, लिखाता है और इस संसार के अंदर अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको जूझते हुए वो अपने जीवन को यापन करते हैं, लेकिन कल कोई आगजनी के बाद उनको और उनके परिवार को टूटकर बिखरने को मजबूर कर दिया। तो मैं आपको सीधा बारीकी से दिखाता हूँ। ये जो सामान है, ये जला हुआ सामान है। आज की अगर मैं बात करूँ तो इनके घर के अंदर, मैं आपको सामान की बाद में डिटेल बताऊँगा, पहले मैं आपको बता दूँगी कि घर की क्या पोजीशन है। ये इनका घर था जहाँ अपने बच्चों का ये लालन पालन और उनका जीवन यापन कर रहे थे। जैसे भी उनको मजदूरी वगैरह मिलती थी, उस मजदूरी, हालांकि आप देख पा रहे हैं इन्हें साफ सफाई कर दी है, क्योंकि कल की ये बात थी और किस प्रकार यहाँ अज्ञात कारणों से आग लगी। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो इनका घर था वो जलकर बिल्कुल राख हो चुका है। और ये किवाड़ वगैरह थे इनके, ये किवाड़ वगैरह ये सारे जलकर राख हो चुके हैं। ये इनके यहाँ पर एक छप्पर फोस था, वो भी जलकर राख हो गया। और यूँ कहूँ कि जो घर का सामान था, खाने पीने का जो सामान था, आज इनके पास कुछ भी नहीं है। ये मात्र एक, मैं ये कहूँ कि सड़क पर आ चुके हैं और गांव की तरफ से या इनके समाज की तरफ से या आसपास के लोगों की तरफ से इनको जो खाने को मिला उससे ये अपना कल से पालन पोषण कर रहे हैं। और ये आप देख पा रही हैं, ये जो सामान था इनके, जो घर गृहस्थी का सामान था, क्योंकि गरीब आदमी के पास कितना सामान होता है, सब वो सामान इस घर के अंदर था, इस झुग्गी झोंपड़ी के अंदर था, वो जलकर राख हो गया। अब आप मानो, जब इतने सामान हैं, लोहे के, स्टील के, पीतल के, जो भी, ये अगर सामान जलकर राख हो जाते हैं तो जो प्लास्टिक के डब्बे थे या छोटी मोटी सामान थे वो उनका क्या हाल हुआ, ये आप देख पा रहे हैं। इनके जो, मैं आपको स्पष्ट लाइव के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ कि ये जूते चप्पल थे, ये अनाज वनाज की जो टंकियाँ रहती है प्लास्टिक की, किसी गांव में लोहे की टंकियाँ, तो इनके पास शायद मुझे ऐसा लग रहा है इस टंकी को देखने के बाद प्लास्टिक की टंकी थी और इसका अंदर इन्होंने जैसे नाज है, मूँगफली वगैरह ये रख रखी थी, वो सारा जलकर राख हो गया। और ये इनका करने खाने का सामान था, जो बिल्कुल ये आपके सामने है किस प्रकार की ये पोजिशन है। और मैं अगर ये कहूँ कि ये जो इनका, ये हम ज़्यादा अक्सर गांव में मिलती है, ये जो मसाले धरने की जो चीज़ें थी जिनमें ये मसाला वगैरह धरते रखते थे, उनकी क्या पोजीशन है, ये आपके सामने स्पष्ट आपको लाइव पर जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। और अगर मैं थोड़ी सी आगे चलूँ तो ये इनका सामान है जो बाहर रखा हुआ था, वो सामान बचा हुआ, क्योंकि गाँव में अक्सर कम जगह होने का। और ये आप देख लीजिए इनका जो ये सब्जी में डालने का वगैरह का है, इनकी चाय है और ये चावल वगैरह, क्योंकि यहाँ से गंगापुर 8 से 10 किलोमीटर दूर लगभग इतना होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा मोटा सामान अपने घर में गृहस्थी को चलाने के लगते हैं। और ये रजाई, सर इनको थोड़ा सा दिखाइए खोल के, ये सर उमरी जो ग्राम पंचायत उसके हबीपुर गाँव में है। मेरे दर्शक पूछ रहे हैं कि कौन से गाँव में है, तो मैं बता दूँ कि उमरी ग्राम पंचायत के हबीपुर गाँव में है और ये रेगर ढाणी है, रेगर बस्ती है। ये आप देख पा रहे हैं इनके जो रजाई गद्दे हैं किस प्रकार जले, ये इसलिए बचे हैं कि ये बाहर थे, अगर ये शायद अंदर होते हैं तो शायद ये भी नहीं बच पाते। और ये बक्सा था इनका जो ये जल, ये इस तरह से ये पोषण है इनकी, आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से। और गनीमत ये रही, और मैंने आपको कहा था ना घर के अंदर थोड़ी बहुत जरूरत के सामान, देखिए ये इनकी दाल वगैरह है, कोई डिब्बे में रह गई तो वो बची हुई है। और ये गैस के सामान जो शायद लगभग जल चुके हैं। तो मैं कहूँ कि इनका जो घर का सामान था वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल जलकर राख हो गया। काफ़ी बच्चों के इनके जो सामान थे, पढ़ाई लिखाई के संबंधी जरूरी कुछ कागजात, जमीन वगैरह जो भी कुछ होता है इनका, बैंक की डायरी वगैरह, वो सारी जलकर राख हो गई। और ये आप देख पा रहे हैं इनके सामान, घर में कुछ सामान था वो जलकर राख हो गया। और ये मकान था पृथ्वीराज जी का, तो
पृथ्वीराज जी का। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गनीमत ये रही कि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और ये इनके जो कागज वगैरह थे वो यहाँ पड़े हुए हैं इस प्रकार, क्योंकि वो सारे जो लगभग लगभग जल गए। और ये गैस की, हाँ गनीमत ये भी रही कि ये गैस की टंकी नहीं फटी साहब। अगर ये गैस की टंकी फट जाती तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। और ये आप, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये इनकी जो पुराने ज़माने की बई वगैरह इनकी रख रखा है, ये हिसाब से जो भी इनका है वो इन्होंने इसमें लिख रखा है। तो ये आप देख पा रहे हो किस प्रकार ये जली हुई पड़ी हुई है। ये इनकी किताब, मुझे ऐसा लगता है इस किताब को देखने के बाद, इस बुक को देखने के बाद शायद गुरुमुखी आदमी होंगे। तो ये गीता जी की जो किताब है इनके पास रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो आदमी नीति और नियम पर चलता है शायद भगवान भी उनको इतना बड़ा दंड देता है। ये मेरे को आज इस गीता की किताब को देखने के बाद लगा, क्योंकि गीता और रामायण जी बहुत कम लोगों के घर में निकलती है। तो और ये यहाँ एक छप्पर पोस था जहाँ ये, जैसे आज एक गाय बंधी हुई है इस तरह से, कल भी एक गाय बंधी हुई थी, लेकिन यहाँ हमें जानकारी मिली कि इस गाय को खोल दिया गया था, इसलिए ये दूर भाग गई। और वरना ये जानवर को भी जोखिम हो सकता था। ये इनके चारा वगैरह जो घर में है गाय को खिलाने के लिए रखा हुआ था, ये भी जल गया। और यहाँ एक छप्पर पोस हुआ करता था तो वो भी जल गया। दूसरी बात मैं कहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, जो घर के ऊपर वो था सामान, ये इनका पंखा साहब देख लीजिए, पंखे की क्या हालत हुई। तो ये पंखा है इनका, ये पंखा था, इस पंखे को आप देख पा रहे हो किस प्रकार की ये पंखे की हालात है। ये इनकी खाट आप देख पा रहे हो, गाँव में जो चारपाई होती थी उस चारपाई की आप हालत देख पा रहे हैं किस प्रकार की है। और ये कुछ चारपाई यहाँ भी आपको दिखाई देगी, तो ये चारपाई आपको यहाँ भी कुछ दिखाई देगी। तो ये भी जलकर राख हो चुकी है। और ये किवाड़, देखो मैंने आपको कहा था कि किवाड़ नहीं है, तो ये किवाड़ है साहब, ये आप किवाड़ देख पा रहे हो। तो ये किवाड़ भी बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। और शायद ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई चीज़ ऐसी है, कुछ था इनको रखने के, जो कोई सामान वगैरह रखने की, तो ये भी इनका जल चुका है। इधर ये बच्चों को स्कूल में, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को स्कूल में से, ये विद्यालय में से जो साइकिल मिली उस साइकिल के ये हालात है साहब। ये आप देख, इनके घर में शायद मुझे लगता है कि एक साइकिल थी, ये भी जलकर राख होगी। और कुछ सामान इन्होंने यहाँ पर रख रखे हैं, ये आप देख लीजिए, बच्चों की जो पढ़ाई के जो सामान थे ना, किताब वगैरह, और ये कुछ कपड़े भी हैं इन्होंने इस प्रकार यहाँ सफाई करने के बाद इनको यहाँ डाल दिया। आप देख लीजिए बच्चों के जो भविष्य में काम आने वाली किताबें, इनसे पढ़ के बच्चे आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें इनकी जलकर राख हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा। और झटका भी इतना तेज कि एक गरीब परिवार सड़क पर आने को हुआ मजबूर। मैं आपको बता दूं, मुझे भी बड़ा दुख, जब मेरे को सूचना मिली तो मैं तुरंत यहाँ पहुँचा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि आग कितनी भयंकर, कितनी ज़बरदस्त होगी, वो उसका नज़ारा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप ये पेड़ वो देख पा रहे हैं बिल्कुल जलकर, ये इस तरह से काले काले पड़ गए। और ये देख लीजिए आप पेड़, ये जो पेड़ थे बिल्कुल जलकर इस तरह से हो गए। और गनीमत ये रही सर कि आप देख पा रहे हो ये कितना, इतना शायद 10 फुट का गैप होगा, और इस 10 फुट के गैप के अंदर ये खेत है साहब गेहूँ का, जहाँ अगर आग पकड़ती तो शायद ही इस खेत की भी दशा वही होती जो हम आपको पीछे घर की दशा दिखा रहे हैं, शायद ये जलकर राख हो जाता। और ये यहाँ भी आप देख पा रहे हो, ये जो खाट वगैरह इनकी जो पड़ी हुई है, और ये पोजिशन। दूसरी बात मैं कहूँ कि ये जो इनके आटे पीसने की चक्की, आज भी गाँव में देखा जाता आटे पीसने की चक्की का जो पार्ट है, ये देख, इतनी भयंकर आग थी कि इस आग के गर्म के कारण ये पार्ट भी शायद, मुझे ऐसा लगता है जैसे टूट गया। ये आप देख लीजिए, ये शायद ये टूट के बिखर गया, ये भी इसके भी 2 टुकड़े हो गए। तो वो था पृथ्वीराज जी का, और ये था ये जो जय किशन जी, ये दो भाई हो आप, ये काका जी, ये जय किशन जी काका जी है, पृथ्वीराज जी के भतीजे हैं। तो ये काका जी यहाँ निवास करते थे, और हमें जैसे सूचना मिली कि एक बुजुर्ग आदमी, हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। बुजुर्ग आदमी, उनके बच्चे बच्चे थे नहीं, भाई के बच्चों की उन्होंने शादी की है, और काफ़ी अपनी ज़िंदगी में खूब मेहनत की, मजदूरी की, कुछ पैसा उनने अपने पास जोड़ के रखा था, वो भी शायद जल गया। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना पैसा क्या जला। और ये इनका जो चूल्हा था करने खाने का, यहाँ पर केवल एक छप्पर फोस हुआ करता था, ये एक दीवार ये थी इनकी और एक दीवार उधर थी, लेकिन वो छप्पर फोस भी जलकर राख हो गया। दूसरी बात बताऊँ, ये इनका ये चूल्हा था, ये चूल्हे पर आप देख पा रहे हैं ये बेलन है, ये चकला है, ये पाटा वगैरह है, ये भी इनके जलकर बिल्कुल आपकी स्थिति में, आपके सामने किस प्रकार की स्थिति है। और ये इनका
जितना इनके पास सामान था करने खाने का, वो बिल्कुल ये जला हुआ आपके सामने दिखा दें। और मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के थोड़ा सा वो दिखाऊं कि ये और इनका कुछ सामान था। और ये जो पीपे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पीपे में ये आप जैसे आज भी थोड़ा सा तेल के हो रहे हैं, तो तेल वगैरह कुछ डिब्बा वगैरह ये रखा करते थे, सामान दाल आटा चावल। और क्योंकि यही इनके गरीब परिवार के गृहस्थी का सामान था, पहले के बुजुर्ग आदमी थे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों में अपनी जो दिनचर्या की जो चीज़ें थी उनको ये रखते थे। और ये इनके बिस्तर साहब, जैसा हमें सूचना मिली तो इन बिस्तरों को जैसा भी जिसको जैसा जिसके हाथ लगी तो उनको निकाल लिया, लेकिन ये कोई काम के नहीं है, केवल ये दिखाने के मात्र हैं। और ये सारे जल कर राख, और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिससे शायद सारे लोगों को जो मेरे दर्शक हैं वो देख रहे हैं उनको भी झटका लगेगा कि आज एक गरीब ये है साहब जय किशन जी, और एक एजेड आदमी हैं, काफ़ी मजदूरी मेहनत इन्होंने की अपने जीवन के अंदर, और कुछ पैसा अपने पास जोड़ के इन्होंने रख रखा था, उसकी सीधी लाइव में मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो पैसा है आप देख पा रहे हैं, ये नोटों की गिड्डी है, ये आप देख पा रहे हैं 500-500 के नोटों की गिड्डी। अगर किसी का 10 का नोट गिर जाता ना साहब, बहुत बड़ा दुख होता, लेकिन ऐसी इनके पास 1,40,000 रुपये की जो गिड्डी थी जो इसी के अंदर रखी हुई थी, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये गिड्डी तो इनको मिल गई, लेकिन वो जो बाकी थी वो अभी इनको मिली नहीं है अभी, तो कहीं वो जली है या कहीं इधर उधर हो गई वो अलग बात है, लेकिन ये नोटों की गिड्डी तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार के नोट हैं ये सारे ये जल चुके हैं। और मुझे नहीं लगता इसमें से कोई साबुत नोट हो, ये आप देख पा रहे हैं किस प्रकार के ये नोट हैं, इनकी हालत ये पोजिशन है। और जैसे हमें सूचना मिली तो सरपंच प्रतिनिधि शिवलाल जी यहाँ पहुँचे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, इनको मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। और मैं मेरे जितने भी दर्शक जीनिस पोर्टल पर इस लाइव को देख रहे हैं, तो उन लोगों से आग्रह करूँगा कि ऐसे परिवार की मदद करने के लिए भी आगे आएँ, ताकि जो आज इनके साथ हुआ है कहीं इनको भटकना ना पड़े, थोड़ा सा इनको आर्थिक सहायता मिले, खाने पीने का जो बंदोबस्त है। और ये आप देख पा रहे हैं इनका परिवार साहब, अब मैं आपको दिखाऊंगा इनका परिवार, ये इनका परिवार है, आज घर से बेघर आपके सामने बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दुख की घड़ी और एक गरीब परिवार के घर में आग लग जाने के कारण ये नो बताइए। तो पृथ्वीराज जी आप थोड़ा सा आइए सर, क्या करते हैं हमारे दर्शकों से आप जुड़िए और आगे आ जाइए थोड़ा सर। और मैं कहूँ कि आवाज़ हर आदमी की बंद हो जाती है इस प्रकार के जब हादसा और ट्रेजरी होती है। तो सर आपका नाम? मेरा नाम पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जी तो क्या करते हो सर आप? मैं खेती का काम करता हूँ और मजदूर करता हूँ। खेती का काम कर, बच्चे बच्चे कितने हैं सर? बच्चे दो बच्चे। तो ये मकान जिस मैंने अभी आपको दिखाया था, ये मकान आप ही का था? मेरा था, पर्सनल मकान था। तो सर कल कितने बजे लगभग आग लगी? कल 12:30 बजे करीब। सर 12:30। तो आपको पता नहीं चला किस चीज़ से आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से या कुछ? ये कोई मालूम नहीं सर। तो आग लगने मैं सो रहा था, इसी छपरे में आग लगी थी, उसी में सो रहा था। जब मैं सो रहा था उस टाइम मेरे को आँच लगी, मेरे ऊपर कुछ है ना जी आग के भगुले से आके आर पड़े। जब मैं निकल के भागा, जब मैं चिल्लाया मैंने आवाज़ लगाई घर वालों से, जब आग पूरी भभक चुकी थी, मतलब हम उसको काबू कर नहीं पाया। लाइट भी यानी चालू करवाई तो हमने चालू करवाई, इतने तो पूरे यानी हमारे आग पकड़ गई पूरे मकान। कुल मिलाकर आग जब लगी तो आपका कुछ बैठा नहीं का, आपको क्या बचाना क्या नहीं? 1 लाख रुपये मेरे थे, वो कहना वो थी कहना हूँ बाका ड्रेसिंग, बच्चों की यानी शादी की ड्रेसिंग थी उसमें रखे थे, वो बल के खाक हो गया, कहीं उसका आता पता नहीं लगा। चांदी की पाईजेब की वगैरह वो बल के खाक हो गई। तो बच्चे की शादी करने का इरादा था कि शादी हो गई थी? बच्चे की शादी हो गई। या शादी हो गई थी तो वो ड्रेसिंग थी उसमें पाईजेब वगैरह जो सामान था जो उनका कोई पता नहीं चला, जल गए वो तो खाक हो गए बल। स्थानीय से वो चांदी की पाईजेब वगैरह वो बल गई, वो जो कुछ पड़ी है आपको दिखा दूंगा अभी। हाँ वो दिखाओ सर, देखो सर दर्शकों को दिखाओ तब जभी तो मालूम। और मुझे ऐसा लगता है कि आग पे जो नाक पे जो आपकी आग भगुले आग पड़ियाल में सो रहा था, जब ये आँख पे इन पे मेरे आग पड़ी ने, जब मैं निकल के भागा उसमें से, तो अगर 2 मिनट और भी मैं रह जाता तो मैं भी जल सकता था उसमें। क्यों ये ना जो ये छान के वो रहते ना लकड़ वगैरह वो गिर जाते मेरे पर, तो मैं जला हुआ जल जाता है। तो आप सो रहे थे, आपको पता नहीं चला किस चीज़ से? एकदम आपको गरम गरम सी लगी जब मालूम चला? क्यों मैंने रात को ने जब रात को लाइट आती है, जो मैंने पानी मोड़ रहा था, जब मैं तो घंटा दो घंटा आराम करने के लिए मिस हो गया था, इस वजह से मेरे को नींद आ गई बहुत गहरी। इस वजह से मेरे को जब मैं निकला, जब हमारे घर से भी यानी जब भागी सब पाड़ोस सब भाग के आए, जब वो
इतने तो आग लग चुकी है काबू नहीं पाया। जैसे हमने आपको देखा लाइव के माध्यम, हमने दर्शकों को दिखाया, तो आज आपके करने खाने का सामान पूरे कुछ जगह आटा ना जो भी है हमारे जो गृहस्थी है हमारी, जिसे गरीब के माध्यम से चाहो कैसे उसका अनुमान नहीं लगा सकते कितना सामान वो पूरा खाक हो गया। हमारे जो चड्डी कपड़े सारे जो बल चुके हैं, जो आज मेरे सामने आपके बैठा हूँ देख रहा हूँ ये पूरी ड्रेस है, यही मेरे पास बच्ची ने बना और मेरे पास बच्चा बच्चे इनका पूरा है ना कपड़ा वपड़ा सब कुछ बल के खाक हो गया। तो कहीं से आपको आर्थिक मदद का कोई आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं अपन का कोई ये। तो वो एक बार अगर वो हो जाए थोड़ा सा कहीं आपको कुछ दिख जाए, वो पाजे वगैरह जली थी आपके वो। और अब आइए मैं जय किशन जी, ये थे पृथ्वीराज, बैठ रहे बैठ रहे आप बैठे हो, मैं आ जाऊँगा। तो ये थे जय किशन जी जी, आप यहाँ नहीं थे क्या उस टाइम? उस पर गया अपना गरवाल धर्मशाला है, उनमें आग बना पाली डॉक्टर आया साहब, तुम कल को वहाँ चले गए साहब, मेरे को जांच के करके अंग मेरे को कम दिख रहा है। उसने कि बाबा तुम तड़के आना आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले आना, और फिर मुझे यह काम होता पाया जी हमारी आधार कार्ड राशन कार्ड बहुमा साइन सब खत्म हो गया। तो आप आए जब तक आपको पूरा जला हुआ मिला? जला हुआ मिला, ये बस्ती भाई नाल ने इन भजा बजूर इन कर लिया फैसलो महाराज ने का नहीं होने सब बढ़ गयो काय भी पड़ियो ना एक डिजा आपके सामने है जो बचा, जो ये बचा जला हुआ बाकी वो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा बर्तन ओडवा पैर बका कोई नहीं काई भी मोपे जो है जो यही आपके ओढ़ने पहनने के। और आपके घर भी यही था? यही है घर यही है। तो जो अब खाने पीने की कोई क्या व्यवस्था है आपकी? अब जिस महाराज बचता बैठाने ये भाई वाला थोड़ा खुआवे छोरी छापुरी भाई छोरा है या बहू है या खुआवे। अच्छा भाइयों के सारे चल रहे हैं अभी आप? चल रहे आश्रु तो होगा ना कहीं घर बड़ को जब नहीं हमारा नाच वगैरह सब आई में ही हमको कहीं आश्रुत कर मिल लिया बेटा ने जमीन बता मिली हमको नाच बांट के देवो जब हमारी बना कर लिया आश्रु तो कोई नहीं चल रहा ना हमारा ऐसा हो गया सब फिर खाइए साहब रोटी। तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये इन्होंने कहा था कि जो सोने की चांदी की वगैरह इनकी जो चीज़ें थी वो ये चीज़ें हैं सर, ये इनकी ये पोर्शन है। अब जो इनको मिला उसमें से जो ये अपन को दिखा रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर आप सीधा लाइव देख रहे हैं, ये चांदी की जो चीज़ें थी ये इतनी बची हुई है जो बता रहे थे ना पायजेब वगैरह थी। और घर गृहस्थी में सब छोटा मोटा बच्चे की शादी कब हुई थी आपके बच्चे की शादी? साल भर तो कुछ देखो सर, साल भर पहले बच्चे की शादी हो तो घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है, गरीब परिवार के भी अपनी थोड़ा बहुत तो बच्चे की शादी में बनाता ही, तो उनकी ये पोर्शन है। उनमें से ये बच्चा जो ड्रेसिंग टेबल आलमारी और ये नोटों की गड्डी, तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार की नोटों की गड्डी का हाल हुआ है, और इसके अंदर ये नोटों की गड्डी रखी हुई थी। और जैसा अभी श्री कृष्ण जी ने बताया कि ये आँख बनवाने के लिए गंगापुर गए थे, और जब डॉक्टर ने इनसे कहा कि आपका आधार कार्ड वगैरह आप लेके आइए, जब यहाँ पर आए तो इनको सारी जो इनकी जीवन की जो कमाई थी, इनका जो घर था वो जला हुआ मिला, उसका हम आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं। तो ये गरीब परिवार के साथ आगजनी होने के कारण पूरा घर जलकर राख हो गया, और आज केवल इनके ऊपर छत है तो आसमां है, और नीचे अगर जमी है तो यही इनका ठिकाना है। यह हालात है इस परिवार की, ग्राम पंचायत उमरी का ये जो गांव है हबी पर रेगरों की ढाणी है। और आइए अब मैं जो हमारे सरपंच रेखा मौर्या के ससुर भी है और उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं पूरा काम देखते हैं, वो कल भी यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने मेरे को सूचना भी दी थी लेकिन हम मौके पर पहुँच नहीं पाए, कहीं बाहर था, तो मैं उनसे भी आपकी बात करवाता हूँ कि उनका। और ये देखिए सर, ये इस तरह से टूटे हैं क्योंकि आग जब इतनी भयंकर और ख़तरनाक थी तो सर लगभग मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, जब गांव में जब छान और छप्पर बांधते हैं ना तो बड़े मजबूत बांधते हैं कि ताकि बरसात में समय में पानी ना आए, तो उससे भी क्या आग को ज़्यादा लपटे और ज़्यादा जलने में ज़्यादा जली। और ये इनकी जो खाट वगैरह, देखो इनकी भी यहाँ खाट वगैरह पड़ी हुई है, जो बाल्टी की मुझे ऐसा था प्लास्टिक की चीज़ें बाल्टी वगैरह थी वो भी, गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं, किसी बड़ा का कोई हादसा हो सकता था, और यहाँ पास ही ये गेहूँ के खेत थे तो यहाँ भी ये भी बच गई। और ये इनके जो पाइप वगैरह था खेतों में काम आने वाली चीज़ें आप देख पा रहे हैं, तो ये भी जलकर इनकी राख हुई है। तो मैं आइए आपको अब सरपंच प्रतिनिधि शिवलाल
भोला, उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। शिवला जी, जब आप यहाँ मौके पर पहुँचे तो कितने बजे आपको सूचना मिली, किस क्या आपने कार्रवाई करवाई? मेरे को सूचना मिली 11 बजे। हम 11 बजे मेरी मीटिंग थी गंगापुर में, उसके बाद मैं यहाँ आया तो पूरा जल के सामान खाक हो गया। फिर मैंने इनको, परिवार रो रहा था अब क्या सब सामान बढ़ गया, तो मैंने कि नहीं भाई देखो जितने की भी बनेगा मेरे से ग्राम पंचायत से मैं दुआऊँगा और बहुत पूरी पूरी कोशिश करूँगा। फिर इनके बाद में मैंने आपको फ़ोन लगाया, मैं कि साहब सब पूरा जल के खाक हो गया और आप भी थोड़ा इनको दिखाओ लाइफ पे, थोड़ी सहायता मिल जाए इनको। मैं तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन आप भी ये दिखाओगे तो और परिवार को और सहायता मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो शिवला जी, मैं एक बात पूछूं, इस दुख की घड़ी में शायद मुझे ऐसा पूछना गलत है, लेकिन मैं पूछता हूं कि जी न्यूज़ पोर्टल जो चैनल है वो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं का निवारण करने में अहम भूमिका निभाता है? फुल भूमिका निभाता है। और जहाँ भी कोई आगजनी होती है, कोई और हादसा होता है, तो जल्दी से जल्दी आता है और सबकी समस्या को लाइव दिखाता है। ये बहुत ही बढ़िया चैनल है, मैं तो इसको यानी बहुत ही अच्छा मानता हूँ। तो ये थे, और यहाँ कोई आप यहीं उस समय मौजूद थे यहाँ पर? मैं तो सर गेहूँ काट रहा था इधर। अच्छा, फिर कितनी देर बाद, क्या नाम है आपका? सर मुझे तो इधर गेहूँ काट रहा था तो यहाँ पे थोड़ी सी धुआं उठी, तब मैं ये हमारे काका बाबा ये इधर से भाग के आए, तब मैं मुझे जैसे नड़ा में गेहूँ काट रहा था, उठ के देखा था यहाँ पे धुआं उठ रही थी, जब मैं वहाँ से भाग के आया जब तक पूरा उसने पकड़ लिया था। आग पकड़ ली थी? हाँ। तो बुझाने की आपने कॉफी को कोशिश की, लेकिन उसमें अपन कामयाब नहीं हुए, पूरा घर का सामान जलकर राख हो गया। तो ये थे सर ग्राम पंचायत उमरी और हबीपुर जो गांव है, रेगरों की ढाणी है उसमें। और मुझे अब थोड़ा सा इन्होंने कुछ और सामान निकाला है, जैसा इन्होंने, क्योंकि साफ़ सफाई चल रही है, जो होना था वो होके रहा, और साफ़ सफाई इनके जो ये सारी चीज़ें था, देखो ये सोने चांदी की जो इनकी चीज़ें थी, कुछ आलमारी तो ये अपोजिशन थी, और उनको भी लिया सर, वो है ना आपने सोने के चांदी के वो दिखाया था ना, वो नोट के पास, वो उनका का आपका है? वो उनका था। और ये आपका है, ये पायजब वगैरह कह रहे थे सर, ये पोर्शन है इनकी पायजब वगैरह की, और ये कुछ पैसा है इनमें रखा हुआ था इनका, 1 लाख रुपए उसमें रखे थे। अच्छा, 1 लाख रुपए ड्रेसिंग में थे? हाँ, ड्रेसिंग में थे। वो बढ़ के एक ड्रेसिंग भी था, ड्रेसिंग। तो ये ड्रेसिंग वगैरह इनकी जो जल के राख होगी, क्योंकि इसके अंदर आप देख पा रहे हो किस प्रकार की ये पोजिशन है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या। और आज भी हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि शिवलाल भोला उपस्थित है, और इन्होंने कहा भी कि हम हर प्रकार की इनको सहायता और मदद दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखते हैं कि आगे होता क्या, इस गरीब परिवार की मदद के लिए कितने लोग और प्रशासन क्या करता है। जब तक आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। जय हिंद, जय भारत।